तो आज के तोरी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो तोरी को इस तरीके से देखिए काट लिया है, और इसे बंगाली में झींगे बोलते हैं। आपके वहाँ पे इसे किस नाम से जानते हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये तोरी कुछ इस तरीके से देखने में है। तो आधा किलो लिया था, पील करने के बाद हम ऐसे स्लाइस करके काट लेंगे। तो चलिए बाकी जो मसाला लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूंगी। सबसे पहले कढ़ाई में हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच के सरसों का तेल। तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। दो मीडियम साइज के प्याज को देखिए ऐसे मोटे स्लाइस में हम काट लेंगे, और उसके बाद मैंने सभी कलियां अलग कर लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए डालेंगे 1 चम्मच कलौंजी, साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे कटे हुए प्याज। प्याज को हम हाई फ्लेम में पहले 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज का कलर हल्का चेंज जब हो जाए हम डालेंगे 5 हरी मिर्च बीच में से चीरा लगा के, साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे तोरी, डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी, एक बार हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम करके हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरीके से आप एक बार ये सब्जी बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो बस मिक्स कर दिया है, 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद तोरी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं देखिए, और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 3 चम्मच खसखस को, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है देखिए, 3 चम्मच है। और डालेंगे साथ ही 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर सिर्फ कलर के लिए। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। खसखस का पेस्ट डालने के बाद हम 2 मिनट और भूनेंगे, और जिस जार में हमने खसखस को पेस्ट बनाया था उसमें काफ़ी सारे लगे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, और पानी डाल के हम सब्जी को ढक के पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो पहले हम खसखस डालने के बाद तब तक भूनेंगे जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। अब देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। तोरी हमारा अच्छे से भून चुका है। डालेंगे 1/2 कप से भी कम यहाँ पे पानी, क्योंकि तोरी को सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक बार हम मिक्स करेंगे और ढक देंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक तोरी हमारा अच्छे से पक जाएगा। तीन से चार मिनट हो गए और सब्जी हमारा बनके तैयार है। देखिए एक बार हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो उससे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो इस सब्जी में आलू भी छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल सकते हो। धनिया पत्ते डालने के बाद एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। कम मसाले में तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी सब्जी। हम सब्जी को सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और आप देख सकते हो ये सब्जी देख के कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। लेकिन मैंने ये रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये सब्जी बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।